हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्ट्रीट टाइप नूडल्स रेसिपी। अगर आपको भी स्ट्रीट टाइप नूडल्स पसंद है तो मेरी रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसे बनेंगे। नूडल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए 2-3 हरी मिर्चें, एक प्याज और एक शिमला मिर्च जिसको मैंने काट लिया है बारीक बारीक। और हम लेंगे यहाँ पर विनेगर 2-3 चम्मच। 2-3 चम्मच हम यहाँ पर लेंगे सोया सॉस और 3-4 चम्मच हमें यहाँ पे दिए अदरक लहसुन का पानी। अब सबसे पहले हम अपने नूडल्स को बॉईल कर देंगे। नूडल्स को हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, 5-10 मिनट तक हम इसको बॉईल करेंगे। जब आपके नूडल्स अच्छे से बॉईल हो जाएं, इसको एक बार ठंडा पानी से धो के साइड में निकाल लें। बाजार जैसे खिलखिले नूडल्स बनाने के लिए अपने नूडल्स को प्लेट में रख के या तो कैंटीन से रख दीजिए या फिर आप ऐसे टाइल के ऊपर फैला दीजिए और इसको अच्छे से ऑयलिंग कर दीजिए। ऐसा करने से आपके नूडल्स आपस में चिपकेंगे नहीं और खिलखिले बनेंगे, जैसे मार्केट के नूडल्स होते हैं अलग अलग, एकदम वैसे ही। अब मैं इसको ऑयलिंग करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हम कढ़ाई में 2-3 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे और उसके बाद हम अपने प्याज ऐड कर लेंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। मेरे प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें अपनी मिर्चें और शिमला मिर्च डाल के इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसको गोभी और गाजर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए एकदम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आप अपने अपने इसका नूडल्स ऐड कर लेंगे और गैस की फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, दो चम्मच विनेगर, दो से तीन टेबल स्पून सोया सॉस। अब हम इसमें अपना लहसुन और अदरक का जो हमने पानी बनाया था वो ऐड करेंगे 3-4 चम्मच। फोक की हेल्प से अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। इसे हम 5-10 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना चिपके और अच्छे से पक जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नूडल्स कितने खिले खिले बने हैं, एकदम स्ट्रीट टाइप। मेरे नूडल्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपको भी स्ट्रीट टाइप नूडल्स पसंद है और आप घर में बनाना चाहते हैं तो आप मेरी रेसिपी को जरूर फॉलो कीजिएगा। Thank you so much for watching this video and please like and subscribe my channel and follow me for more recipes.